हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन। एज यू नो कि हम डिस्कस कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट, और ये हमारा मोटर व्हीकल एक्ट का 7th नंबर का लेक्चर है। ये अगर हम एक्ट एंड रूल की बात करें, आपके जो जीपीएससी का सिलेबस है उसमें 41th नंबर की वीडियो है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको जरूर प्लेलिस्ट में जाना चाहिए, एक्ट एंड रूल की प्लेलिस्ट है, वहां पे सिक्वेंसली जो सिक्वेंस फॉलो किया गया वीडियो अपलोड करने का, वो सिक्वेंस देखो, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, आज हमारा डिस्कशन बेस्ड होगा बेसिकली हमारे जो सेक्शन 66 है वहां से लेके हमारे सेक्शन 96 तक हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये मेंशनड है हमारे चैप्टर 5 में, ये इतने सारे सेक्शन इंक्लूड कर लेता है। तो ऑब्वियसली एज यूजुअल कि जितने सेक्शन इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवल हम वही सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे नहीं पूछा जाएगा। देखिए, एक जनरल लॉजिक ये है कि जो टर्म्स या जो सेक्शन बहुत ही जनरलाइज्ड होते हैं, बहुत ही जनरलाइज्ड वे में लिखे होते हैं, वहां पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन नहीं होता है, वहां से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना बहुत ही कम होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता तो आपसे पूछ लिया जाता है कि चलो ये प्रोसीजर लिखो, बट यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है, कैसे आपको चलना है, उस छोटी छोटी पॉइंट डिस्क्राइब किए गए हैं जो कि बहुत ही जनरलाइज है। वो दूसरे सेक्शंस में भी आते हैं, तीसरे सेक्शंस में भी आते हैं, मतलब बहुत सारे सेक्शन में वो जनरलाइज टर्म्स आते हैं। तो इसलिए वहां से क्वेश्चन बनाना बहुत ही, आप कह सकते हो, माइनर होता है, वहां से क्वेश्चन बनते नहीं है। हाँ, जिन सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन किया गया है, जो पूरा सेक्शन बात कर रहा है उससे हटके कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, कोई टाइम डेट कोई वेट या कुछ भी इस तरीके का स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, वो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो वही बेसिकली मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं कि जो हमारे सेक्शंस हैं वो बहुत जनरलाइज हैं या स्पेसिफिक हैं। आपको भी इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, सेक्शंस पूरे आप पढ़ लो, ओवरव्यू थोड़ा सा आपको होना चाहिए, उसमें से जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, डेट्स हैं, उस सारी चीजों को आपको अलग से लिख लेना चाहिए याद रखने के लिए। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत से पहले एज यूजुअल अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे @manuacademy, वहां पे ऐसी प्रोफाइल पिक मिलेगी, वहां ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सर्च करना है @manuacademy.m, पेज मिलेगा, फॉलो कर लीजिए। जो भी लेक्चर्स मैं बनाता हूँ सारे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, और ग्रुप भी है इसका, तो ऑब्वियसली ग्रुप और चैनल दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो अब शुरू करते हैं, बहुत हो गई कहानी। जो है ये स्लाइड, पहली दो स्लाइड थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली है नेसेसिटी फॉर द परमिट। अब आप सोच रहे होगे हमने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया, हमने लाइसेंस पढ़ लिया, अब ये अलग ही आ गई, परमिट क्या हो गई, परमिट क्यों लेना है हमको। देखो, परमिट बेसिकली आपको अपने पर्सनल कार के लिए नहीं लेना होता है, परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओनली। ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर आप ड्राइव करते हो उसके लिए परमिट चाहिए। अब अगर बहुत ही जनरल बात करें कि परमिट चाहिए क्यों, थोड़ा सा आप इंजीनियर हो आप समझ सकते हो, ऑटोमोबाइल हो से किया होगा आपने या मैकेनिकल से किया होगा। देखिए होता क्या है, अब परमिट की लेने की जरूरत इससे, सपोज करो आपने एक ट्रक परचेज कर लिया, ठीक है, अब इसकी जो कैपेसिटी है, अब मैन्युफैक्चरर ने इसकी कैपेसिटी डिसाइड कर दिया, मैन्युफैक्चरर ने सपोज इसकी कैपेसिटी डिसाइड किया 20 टन, ठीक है, आप लालच में क्या किए इस पे 25 टन लगा दिए। अब होगा क्या, एज इंजीनियर अब सोच के देखो, यहाँ पे कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड किया गया होगा कि चलो हम इतने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, लोग इतने पे मानेंगे नहीं, जैसे बाइक पे दो लोग अलाउ हुए मगर तीन लोग बैठ जाते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि जो हमारी बाइक है उसकी वो कैपेसिटी है, वहां पे जो सीटिंग लगी है, जो मटेरियल्स लगा है उसकी वो कैपेसिटी है, उतना लोड बियर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, हम बिना सोचे बैठ जाते हैं। तो कंपनी ये सोच के यहाँ पे कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देती है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी आप अगर क्रॉस कर जाओगे तो आपकी व्हीकल क्या होगी, फेल हुई, आपकी व्हीकल फेल हुई, मगर उससे रोड पे चलते हुए बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। इसलिए ये सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है
कि आप एक परमिट लो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ऐसा नहीं कि बस चला रहे हो आप और बस में 50 लोगों की बैठने की जगह है, आपने 500 लोग भर लिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो बस का नुकसान तो हुआ हुआ, जो हुआ बस में जो लोग बैठे हैं उनका नुकसान हुआ, जो लोग रोड पे जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक रोड पे जो लोग जा रहे हैं उनका भी नुकसान हो गया। तो इन शॉर्ट दिस इज द जनरल व्यू कि आपको परमिट क्यों लेना पड़ता है। गवर्नमेंट इसलिए डिसाइड किया है कि आपको परमिट दिया जाएगा जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं। पैसेंजर गाड़ी के लिए मेंशन होता है कि आपकी सीटिंग में स्पेस कितना होना चाहिए, कितने लोग बैठने चाहिए, ड्राइवर का कितना होना चाहिए, वहां पे कंडक्टर कितना होना चाहिए, एक बार में ड्राइवर कितना दूर तक गाड़ी लेके जा सकता है, ये सारी कंडीशंस। अगर आप गुड्स कैरेज वाली गाड़ी लेके जा रहे हो तो कितना उस पर लोड बियर करना चाहिए, कितना लोड उस पर होना चाहिए, ऑब्वियसली पर एक्सल लोड कितना होना चाहिए, तो इस टाइप की टर्म्स एंड कंडीशंस आपके परमिट में डिसाइड की जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि परमिट क्यों लेना पड़ता है। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनके लिए परमिट लेना पड़ता है। और कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, फर्स्ट जो सेक्शन है वो कहता है सब सेक्शन कि कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल पब्लिक प्लेस पे बिना परमिट के नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये देखो कितना जनरलाइज है ना, कोई भी व्हीकल नहीं चलेगी। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर कोई भी व्हीकल नहीं चलेगी बट सरकार अगर वहां पे कुछ व्हीकल को एक्सक्लूड किया है तो वो हो गया उसका उस सेक्शन का स्पेसिफिक पॉइंट। जैसे यहां पे कुछ व्हीकल को एक्सक्लूड किया गया है जिनको परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो बिना परमिट के चल सकती हैं। तो ये होता है किसी भी सेक्शन का स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे यहां पे मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी व्हीकल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड है, तो उनको किसी भी परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसी व्हीकल है जो रोड पे क्लीनिंग के लिए यूज की जाती है, वाटरिंग के लिए यूज की जाती है, इस टाइप की चीजों के लिए यूज की जाती है, उसको परमिट की जरूरत नहीं है। पुलिस की व्हीकल है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, ये सारे आपको याद रखने हैं, ये जनरल टर्म्स नहीं है, ये स्पेसिफिक टर्म्स है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सारे व्हीकल को परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें से कौन से व्हीकल को परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब व्हीकल की परमिट की रिक्वायर नहीं होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई व्हीकल आपकी खराब हो गई उसको टो करने के लिए जो व्हीकल की गई है उस व्हीकल को परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, रादर देन वो व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आती है। अगर कोई व्हीकल ऐसी है, सपोज आपके ऊपर लगेज लगा हुआ है, आपकी जो व्हीकल खराब हुई है, और कोई ऐसी व्हीकल आप मंगाते हो जहां से आप अपने लगेज को रिमूव कर रहे हो और उस व्हीकल में लोड कर रहे हो, तो उस जो व्हीकल है जो नई वाली आपने मंगाया है उसके लिए परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोई ऐसी व्हीकल जो पब्लिक पर्पज के लिए यूज हो रही है उसको आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट मेंशन करेगी। अब देखो ये ऐसे जो सेक्शंस होते हैं ना, मुझे हंसी इसीलिए आ रही है कि ऐसे जो सेक्शंस होते हैं इन सेक्शन को नेताजी लोग यूटिलाइज करते हैं, कभी भी रैली निकालना हो किसी व्हीकल की परमिट नहीं लेते हैं, ऐसे ही व्हीकल लेके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लेटर इश्यू करवा लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि हमारे 500 व्हीकल या 1000 व्हीकल जाएंगी, बसेस जाएंगी, बस एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, बसेस जाएंगी, तो उनके पास डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन होती है, तो उनको सेपरेट परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपने हिसाब से वो लोग इस टाइप के आर्टिकल ऐड कर लेते हैं, काम कोई नहीं होता वहां पे, पब्लिक पर्पज के लिए नहीं होती है, वो पर्सनल पर्पज के लिए ही होती है ना, नेताजी की रैली कौन सी पब्लिक पर्पज है। बट नेवरदलेस लूप फॉल जो हमारे लॉ का है उसको लोग यूटिलाइज करते हैं, जिनके पास पावर होता है वो लोग यूटिलाइज करते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरर या डीलर, इनको परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। सपोज करो कोई व्हीकल है उसकी चीजें कहीं पे बन रही है, उसका कोई पार्ट कहीं पे बन रहा है तो वो असेंबलिंग के लिए इधर उधर जा रही है, तो उनको परमिट लेने की जरूरत नहीं है, अगर लेंगे तो परमिट ही लेते रह जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना आप, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस 3000 किलोग्राम टू एनी व्हीकल, एनी गुड्स व्हीकल द ग्रॉस व्हीकल वेट, ठीक है, अगर उसका ग्रॉस व्हीकल वेट 3000 kg से एक्सीड नहीं करता है तो उसको परमिट लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बेचारे सब्जी वाले, ठेले वाले जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो छोटी व्हीकल लेके जाते हैं जिसपे अपना सामान जाते हैं, उनको तो पुलिस वाले खा जाए, नहीं अथॉरिटी वाले, उनको तो परमिट लेते लेते सारा प्रॉफिट का पैसा परमिट लेने में ही चला जाए, तो इसलिए उनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। जो छोटे व्हीकल्स हैं आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोई परचेज व्हीकल है तो उसके लिए परमिट की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए टेम्परेरी परमिट इश्यू की जाती है, वो आगे सेक्शन में आएंगे। चलिए आ गए यहाँ पे, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अगर कहीं पे आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, आपके व्हीकल का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, आपने पढ़ा होगा इसे पहले वाले सेक्शन में, तो वहां पे आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं होती है। कोई ऐसी व्हीकल जो नेचुरल क्लाइमेटीज में यूज होती है, सपोज कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे तूफान, भूकंप, इस टाइप की चीजें आ गई
और वहां पे कोई व्हीकल यूज की जा रही है पब्लिक सब के लिए, तो वहां पे आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है। कोई हायर की गई व्हीकल है, लीज पे ली गई व्हीकल है, तो आप 2 दिन के लिए लीज पे ले रहे हो तो आप कैसे परमिट लोगे? नहीं, तो इस टाइप की व्हीकल्स में परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली कोई व्हीकल रिपेयर के लिए जा रही है, खराब है, तो ऐसा नहीं है कि आपको परमिट चाहिए तभी आप गाड़ी को रिपेयर करवाओगे। तो इस टाइप के व्हीकल को एक्सक्लूड किया गया है, परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल को कंट्रोल कर पाए, उससे रिगार्डिंग रूल्स बना पाए। इन शॉर्ट पावर मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको पब्लिक वेलफेयर में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, चीजों को स्मूथली रन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया होता है कि आप चाहो तो इस सेक्टर में रूल बना सकते हो। जैसे इसमें पहला ही है कि कहीं पे ट्रेड एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए सरकार जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उससे रिलेटेड कोई लॉ बना सकती है, जैसे वर्किंग आवर हो गया, परमिट में एक्सटेंशन हो गया, परमिट का रिनोवेशन हो गया, इन सारी चीजों का कितने टाइम के लिए रिन्यू होगी या कितने टाइम के लिए इश्यू होगी, तो इस टाइप की चीजें ताकि पब्लिक परेशान ना हो इन शॉर्ट, या फिर जो इंडस्ट्री है उनकी एक्टिविटी फास्ट हो, तो इस टाइप के लॉ बना सकते हैं हमारे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं, जो हमारे रेल ट्रांसपोर्ट है और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनमें जो कोऑर्डिनेशन है उनसे रिगार्डिंग रूल बना सकते हैं। ये बना सकते हैं डिटोरेशन ऑफ द रोड, रोड खराब हो गया या इस टाइप की जो चीजें होती हैं उन सबके। अन इकोनॉमिकल कंपटीशन, अब ये क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लो। एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, जैसे जियो आया, अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइन लगा दिया आइडिया वोडाफोन जो ज्वाइंटली है उनको, जितना उनका टर्नओवर है कुछ उनका टर्नओवर ईयर का 60,000 करोड़ के आसपास है, और उनके ऊपर जो फाइन लगी है दैट इज अराउंड 90 या 96,000 करोड़ के आसपास। तो अब मान लीजिए जियो की मैं नाम इसलिए रहा हूँ कि आपने जियो को फील किया, तो इस टाइप के अगर कोई पैसा वाला आदमी आ जाए किसी सेक्टर में और क्या करे, फ्री में चीजें देना शुरू कर दे, बाकी कंपनी बंद हो गई, उनकी मोनोपोली हो गई, बाद में वो अपना टैरिफ बढ़ा देंगे, तो जहां पे अब इनका तो घाटा हो गया ना। तो इसे हम कहते हैं अन इकोनॉमिकल कंपटीशन। कंपटीशन तो है मगर वो कंपटीशन इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब जो कंपनी है उसको भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अल्टीमेटली अगर दिवालिया होती है तो उससे बैंक का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक ने इन्वेस्ट किया है, आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आपने बैंक को पैसे दिए हैं, बैंक ने इनको पैसा दिया। जैसे कोई भी कंपनी लूटती है तो आप समझ लो कि अल्टीमेटली नुकसान पब्लिक का ही होता है। जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे गीतांजलि जेम्स हुई, ये जैसे कंपनियां जो बंद हो गई, बिनानी इंडस्ट्री हुई जो भग गई छोड़ के, तो जिन जिन लोगों ने शेयर खरीदा था सबके पैसे उसमें डूब गए, ठीक है, किसी को एक भी रुपया मिला नहीं, विजय माल्या की जो कंपनी थी। तो इस टाइप से क्या होता है, अगर कहीं पे कोई कंपनी डिफॉल्टर होती है, डजन मैटर कोई भी रीजन हो, तो अल्टीमेटली लॉस पब्लिक का होता है। इसलिए गवर्नमेंट इस पे रूल बना सकती है कि आप को कंपटीशन करो मार्केट में, बट अन इकोनॉमिकल कंपटीशन नहीं होने चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो आइडिया है और हमारा एयरटेल है, ये दोनों कोर्ट में भी गए थे जियो के खिलाफ, तो ये सारी चीजें हैं। नेवरदलेस आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सारे के रिगार्डिंग सुप्रीम का सॉरी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती है, फेयर को फिक्स कर सकती है। आपको बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपकी मोनोपोली है तो आप क्या करो, ज्यादा फेयर चार्ज करने लग जाओ, तो सरकार ये भी रूल बनाती है कि देखो पर किलोमीटर आपको कितना चार्ज करना है, मैक्सिमम मिनिमम कितना चार्ज करना है, दोनों तरफ से मैक्सिमम मिनिमम दोनों मेंटेन होना चाहिए ताकि किसी का लॉस नहीं हो, नहीं कंपनी का लॉस हो, नहीं कस्टमर का लॉस हो। तो इस सारी की चीजें सरकार रूल बना सकती है। कोई और लॉ रिस्ट्रिक्शन डायरेक्शंस जो भी इससे रिलेटेड है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है। जो हमारा सेक्शन 68 है इसमें बात की गई है, ऑलरेडी हमने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, गुजरात ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, एक अथॉरिटी बनाना है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको देखेंगी, वहां पे जो ग्रीवेंसेज होंगे उनको हटाएंगी। तो इसके जो चेयरमैन होंगे उनको ज्यूरिडिक्शन का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इसके चेयरमैन बन सकते हैं। यहाँ पे वो चीजें मेंशन है जो कि इनके अंडर में आता है जो देखेंगे, कुछ ही चीजें मेंशन है इन जनरल, तो कॉमन सेंस से ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हो कि इनके अंडर में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि कोई एक्टिविटीज हैं जिनको रेगुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, कोई डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करना है, इनका काम होता है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज हैं उनको डायरेक्शन देना, कोई और फंक्शन है उसको डिस्चार्ज करना, प्रिस्क्राइब करना, डिस्चार्ज करना मतलब उस पर एक्शन लेना, ठीक है, उसको प्रिस्क्राइब करना, तो इस टाइप की एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। जो हमारा सेक्शन 76 है, 77 है, इन दोनों सेक्शन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं था जो मुझे लगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो इस सेक्शन को मैंने नॉट इम्पोर्टेंट लिख दिया है,
नेवरदलेस ये सारे सेक्शंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़िए। कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द गुड कैरेज, आपका जब एप्लीकेशन आप परमिट के लिए दोगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने व्हीकल में कुछ डेंजरस या हैजार्ड्स नेचर की चीजें लेके जा रहे हो जो ह्यूमंस लाइफ के लिए खतरा है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाना कि ऐसा काम आप नहीं करो, कोई केमिकल एक्सप्लोसिव लेके नहीं जा रहे हो। तो इन बातों का ध्यान रखा जाएगा जब आपके परमिट को कंसिडर किया जाएगा। तो जो हमारा सेक्शन 79 है, और ऑब्वियसली ये सारी चीजें रहेंगी तो आपको परमिट नहीं मिलेगी। जो हमारा 79 है ग्रांड ऑफ गुड्स कैरेज परमिट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका प्रोसीजर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज, जितने भी हमने सेक्शंस को स्किप किया है वहां पे एक चीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता था जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जितने भी सेक्शन हमने स्किप किए हैं अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है वहां पे आपको अपील करना है हमारे अपीलेट अथॉरिटी को या फिर ट्रिब्यूनल को, तो आपको वो सारी अपील 1 मंथ के अंदर ही करनी होगी। ठीक है, तो 30 डेज के अंदर अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आप अपील कर सकते हो हमारे ट्रिब्यूनल में या फिर अपीलेट अथॉरिटी के पास। दूसरी चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जैसे आपके पास परमिट है कहीं जाने की और सपोज किसी रीजन बस वो रोड खराब है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वाटर बढ़ते, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको टॉलरेंस लिमिट दिया गया है 24 किलोमीटर का, कि आपको जो परमिट है वो 24 किलोमीटर अगर आप अपना रूट चेंज करते हो या कुछ भी ऐसा काम करते हो आप, तो 24 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज्यादा का डिफ्लेक्शन होता है तो फिर वो आप लॉ को वायलेट कर रहे हो, तो इतना परमिशिबल है, इतना किलोमीटर, उसके बाद आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको आपको ये माना जाएगा कि आपने लॉ को वायलेट किया है, कोई भी रीजन से आप गए हो, दैट इज नॉट अ मैटर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ड्यूरेशन, आपको ये याद रखना है कि एक बार जो परमिट मिलती है वो आपको 5 ईयर के लिए मिलती है। ठीक है, एक्सेप्ट देन द टेम्पररी परमिट, टेम्पररी परमिट की बात नहीं किया जा रहा है, जो आपको परमिट मिलती है वो इफेक्टिव रहेगी पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। जब आपकी परमिट एक्सपायर करने वाली हो तो एक्सपायर करने के 15 डेज बिफोर आपको क्या करना है, अप्लीकेशन देना है रिन्यू करने का। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि हम रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशंस कब देते हैं और हमारी परमिट की एज क्या होती है, कब तक वो वैलिड होती है। सेक्शन हमारा 82 बात करता है परमिट को ट्रांसफर करने की, तो परमिट डेफिनेटली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें आप अपने परमिट को ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये स्पेशल केस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सपोज जिसके नाम से परमिट थी और वो एक्सपायर हो गया, तो अगर आप उसके सक्सेसर हो तो आप उस परमिट का यूज 3 मंथ तक कर सकते हो, 3 मंथ तक, और ये यूज करने के लिए आपको 30 डेज के अंदर जो हमारी अथॉरिटी है, रीजनल अथॉरिटी है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनको बताना पड़ेगा कि ये जो परमिट है पर्टिकुलरली इसके जो होल्डर थे वो एक्सपायर हो गए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली वो मांगेंगे कि मैं उनका सक्सेसर हूं, तो आप यूज कर सकते हो अप टू 3 मंथ, इसके बाद आप भी उसका यूज नहीं कर सकते हो। रिप्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, सपोज आपने किसी व्हीकल का परमिट लिया तो सेम कैटेगरी के व्हीकल में आपका वो रिप्लेसमेंट चलता है, जैसे आपने ट्रक का लिया है तो डेफिनेटली आपने सेम कैपेसिटी के दूसरे ट्रक पे उस परमिट को यूज कर रहे हो, तो दिस इज अलाउबल, वो यूज कर सकते हो, बट सेम कैटेगरी होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रक की क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं हम, जैसे कि वहां पे एक्सल कितना है, पर एक्सल लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है, तो वो सब चेंज नहीं होना चाहिए, वो सब सेम रहना चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो, दिस इज द परमिसिबल। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन 84 है, इसमें कहा गया जनरल कंडीशन अटैचिंग टू ऑल परमिट, जितने भी परमिट इशू किए गए हैं सरकार के जो नोटिफिकेशन हैं, जो डायरेक्शंस हैं, जैसे वो किसी से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपके फेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपके स्पीड लिमिट से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी इस टाइप का जो प्रोविजन है, आपका वर्किंग आवर कितना होगा, कब गाड़ी आप ड्राइव करोगे, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप नहीं चला सकते हो, तो ये सारे जो सरकार के नोटिफिकेशन या डायरेक्शंस हैं वो सारे परमिट के लिए वैलिड होंगे, मतलब सारे परमिट के लोग जो होंगे उसके फॉलो करेंगे, ऐसा किसी को उसमें एक्सक्लूड नहीं किया गया है कि ठीक है आप इंजॉय करो, आपको नहीं पूछा जाएगा, बाकी लोगों को ये फॉलो करना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 85, जनरल फॉर्म ऑफ द परमिट, जनरल फॉर्म ऑफ द परमिट मतलब परमिट में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, परमिट लेते टाइम जो भी कंडीशंस हैं, जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हैं, वो सारे आपके अटैच होने चाहिए, तो एज सच इसमें जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें नहीं लिखा है। आगे का जो सेक्शन है इसमें सेक्शन आपके 84 का यूज होगा, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया उसको थोड़ा सा यहाँ पे। कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ परमिट, ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसका ध्यान रखना, कौन सी केस में आपके परमिट को सस्पेंड किया जा सकता है या फिर कैंसिल किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है आपकी, ऑन द बेंच ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 84 में, जैसे कि फेयर से रिलेटेड कंडीशन थी, आपके स्पीड से रिलेटेड कंडीशन थी,
जो भी कंडीशंस, नोटिफिकेशंस या डायरेक्शंस सरकार ने इशू किए हैं, अगर आप उसको वायलेट करते हो, ठीक है, तो अगर उसको वायलेट करते हो, चाहे आप ओवरलोडिंग कर लेते हो, ओवर स्पीडिंग कर लेते हो, इस टाइप के जनरल कॉमन सेंस आप सोच सकते हो कि क्या चीजें हैं जो कि वायलेट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो वायलेट कर रही है सरकार के कंडीशंस और टर्म्स को, तो आपके परमिट को सस्पेंड किया जा सकता है। तो आगे वही चीज लिखा हुआ है कि कोई भी चीजें अगर उसको वायलेट करती हो, कोई कंडीशंस हो, और आपने अगर परमिट जो लिया है उसमें फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, सपोज आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट पर परमिट ले लिया और बाद में अथॉरिटी को पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट गलत है वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपका जो लाइसेंस है, जो परमिट है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यूज फॉर अदर पर्पज, सपोज आपने किसी पर्पज के लिए परमिट लिया है और आप किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हो जो कि आपने अथॉरिटी को बताया नहीं है, तो इस केस में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका जो है परमिट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लॉ की लैंग्वेज में ये सारी चीजें नहीं लिखा हूँ, अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको वो चीजें नहीं पूछा जाएगा, ये कॉमन सेंस की चीजें पूछी जाएंगी जिसका आप जवाब दे सकते हो अगर आपके पास ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग है तो। नेक्स्ट है, अगर होल्डर जो है हमारा है उसको किसी और जगह की सिटीजनशिप मिल गई, तो आपको पता है हमारे यहाँ एक वन सिटीजनशिप का रूल है। अगर आपको पास किसी और की सिटीजनशिप है तो यहाँ की सिटीजनशिप ऑलरेडी आपकी रिवोक कर दी जाती है, तो उस केस में आप इंडियन के सिटीजनशिप ही नहीं हो, तो आप यहाँ के लॉ के हिसाब से चीजों को होल्ड नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट जो आपका है टेम्परेरी परमिट, जो हमारी टेम्परेरी परमिट है ये आपको ध्यान रखना है कि फोर मंथ के लिए इशू होती है, नॉट मोर देन द फोर मंथ। तो ये आपको टाइम ड्यूरेशन बस याद रखना है कि फोर मंथ के लिए यूज होती है। अब ये टेम्परेरी परमिट किस कंडीशन में यूज होती है आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप मान लो कोई स्पेशल ओकेजन के लिए यूज कर रहे हो, जैसे कहीं पे रिलीजियस गैदरिंग है, कहीं पे मेला लगा हुआ है, और कुछ ऐसी चीजें हैं, डेफिनेटली वहां पे कोई स्पेशल ओकेजन है, तो उस केस में आप क्या करते हो, एक टेम्परेरी परमिट ले लेते हो कुछ टाइम के लिए जिससे आपका काम हो जाए। आपके पास सपोज कोई सीजनल बिजनेस है तो आपको बस एक दो महीने या तीन महीने की परमिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, पूरे पांच साल की परमिट लेके क्या करोगे, आपकी गाड़ी बाकी टाइम अगर वेयर हाउस में खड़ी रहनी है। तो उस तरीके की अगर कोई आपके पास बिजनेस है, सपोज कोई भी बिजनेस मैंगो का है, सपोज उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस केस में आप सीजनल परमिट ले सकते हो, ये इशू होती है, ठीक है। और कोई ऐसे पर्टिकुलर आपकी जरूरत है जो कि टेम्परेरी है, तो उस बेसिस पे आप परमिट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो और डेफिनेटली आपको परमिट मिलेगी। सपोज कर लो आपने परमिट के लिए एप्लीकेशन डाला है रेगुलर परमिट के लिए, बट वो अभी क्या हो रही है, रिन्यू करने के लिए या फिर रेगुलर परमिट के लिए परमिशन डाला है, बट वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, तो उस केस में भी आप वो दिखा के कि वो मेरा अभी अंडर कंसिडरेशन है, तो तब तक के लिए मेरा व्यापार तो चले, बैठा तो ना रहे मेरी गाड़ी, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक टेम्पररी परमिट इशू करवा सकते हो, डेफिनेटली वो टेम्पररी परमिट आपको इशू कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, वैलिडेशन ऑफ परमिट फॉर यूज आउटसाइड रीजन इन विच ग्रांटेड, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको एक परमिट इशू कर दी गई तो ड्राइविंग लाइसेंस की तरह वो मतलब सारे स्टेट में वैलिड है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको जहां पे भी जाना है वहां के स्टेट अथॉरिटी का काउंटर साइन लेना पड़ेगा, आपके परमिट पे उनका काउंटर साइन रहेगा, तभी उस स्टेट में आप गाड़ी चला सकते हो। ऐसा नहीं कि गुजरात की परमिट लेके आप पूरे इंडिया में घूम रहे हो, ये वैलिड नहीं है, आपको उनका भी काउंटर साइन करवाना होता है। बट ये सब कब वैलिड नहीं होता है, कब इनकी जरूरत नहीं है, मान लो कोई व्हीकल जो डिफेंस पर्पज के लिए यूज हो रही है, तो ऐसी व्हीकल को हर स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हर स्टेट के काउंटर साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चलेंगे। जो नेक्स्ट है इसमें कि अगर मान लीजिए आपकी जो गुड्स कैरिंग कैपेसिटी है, अगर उसके लिए जो परमिट इशू की गई है उसके लिए आपको हर स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी आपका ट्रक है, उसको बताया गया कि ये ट्रक की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 10 टन है, तो अब ये 10 टन की जो परमिट है ना ये चलेगी, ये सारे स्टेट में चलेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका ट्रक महाराष्ट्र में चला गया तो उसकी कैपेसिटी घट जाएगी, वो तो मशीन से तो वैसे ही रहेगी। तो जो ये टाइप की चीजें हैं वो चलेंगी, उसके लिए आपको सेपरेट परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट डेफिनेटली आपको ड्राइव करने के लिए जो परमिशन मिलती हैं उसको आपको वहां पे काउंटर साइन लेना पड़ेगा, मतलब वहां की जो अथॉरिटी है वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 89 है, 89 में अगर आपको आपको ये कहा गया है कि आप अपील कहाँ पे करोगे, अगर आपको कोई भी ग्रीवेंसेज है, आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल्स होते हैं, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब अपना अपील डाल सकते हो कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है तो ये सुना जाए। तो डेफिनेटली इससे पहले भी हमने इस सब के बात की हुई है कि ये जो अपीलेट अथॉरिटी होती हैं, इनका जो भी
डायरेक्शंस होता है वो हमारे जो अथॉरिटीज होती हैं, जो चाहे वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, चाहे आपकी परमिट देने वाली अथॉरिटी हो, उन सबके लिए बाइंडिंग ऑर्डर होता है। तो यहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा एक तरह की। डेफिनेटली यहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो कानून के जानकार होते हैं। अभी हमने इससे पहले बात किया कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है उसका गठन होता है, और सेपरेटली भी हमने डिस्कस किया हुआ है इस पूरे टॉपिक को। नेक्स्ट जो आपका रिविजन, आपको ट्रिब्यूनल के अंदर 30 डेज के अंदर ही अप्लीकेशन डालनी है। सपोज आपने परमिट दिया हुआ है, आपको लगता है कि नहीं आपका सब कुछ ठीक है, हमें परमिट नहीं दी जा रही है, यहाँ पे कुछ भी पॉलिटिक्स हो रहा है, या जो भी रीजन है पर्सनल ग्रीवेंसेज या किसी भी रीजन से अधिकारी आपको परमिट नहीं दे रहा है, तो आप अपील कर सकते हो ट्रिब्यूनल में 30 डेज के अंदर। जब भी वो ऑर्डर आए, जब भी वो रिजेक्शन आए, या सपोज आपकी परमिट किसी रीजन वश रिवोक कर दी गई है, तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। वहाँ पे आप जो भी अप्लीकेशन के प्रोसेस होंगे वहाँ पे अप्लाई करके आप जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं वो आपके ग्रीवेंसेज सुने जाएंगे। बट ये चीज आपको 30 डेज के अंदर करना है। डेफिनेटली अगर मान लीजिए कोई आपके पास वैलिड रीजन है, आप 30 डेज के अंदर नहीं कर पाए, तो आपको अलाउ किया जाएगा, बट मोस्ट जनरल आपको 30 डेज के अंदर अपील करना है। जब आपको 30 डेज हो गए तो उसके बाद आपको ये प्रूफ मांगा जाएगा कि आपने 30 डेज के अंदर यहाँ पे अपील क्यों नहीं किया, तो उसका आपको पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको सुना जाएगा, अदरवाइज नहीं सुना जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ आवर टू द वर्क टू द ड्राइवर, ड्राइवर कितने टाइम तक वर्क करेगा, डेफिनेटली उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है, वो अपने मर्जी से वर्क नहीं कर सकते, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं, उनको वो चेंज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वो रूल बना सकते हैं कि कितना देर वर्क करेंगे, कब वर्क करेंगे, क्या कंडीशन होगी, वो सारी चीजें दैट इज कम अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो बना सकते हैं। जो हमारा सेक्शन 92 है दैट सच नॉट इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 93 इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। 94 में थोड़ा सा आपको सुन लेना है कि जो हमारी सिविल कोर्ट होगी वो कोई भी परमिशन से रिलेटेड, हमारा जो ये एक्ट है इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम बात करें तो जो परमिट से रिलेटेड कोई भी चीजें होंगी उसका जो एप्लीकेशन होगा आप सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। सिविल कोर्ट के पास वो अथॉरिटी नहीं होगी कि वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो ये सिविल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखा गया है। और दूसरी चीज, अगर कोई अधिकारी है मान लो आपकी परमिट को रिवोक कर देता है या फिर वो मना कर देता है कि नहीं आपकी परमिट हम इशू नहीं करेंगे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हो, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। तो इसीलिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है कि जो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं उनका वर्कलोड थोड़ा मिनिमाइज किया जाए। ये सारी चीजें जब हम एनजीटी डिस्कस कर रहे थे, जब ट्रिब्यूनल को हमने सेपरेटली डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 95, इसमें बात किया गया पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल एज टू स्टेट कैरेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, इसके रिगार्डिंग कोई रूल बनाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में है, वो रूल बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है, ये बहुत ही जनरलाइज चीजें हैं, क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पावर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिडिक्शन है इसमें, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई, मैं जनरल में बता देता हूँ। सपोज करो आप बस से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको टिकट लेना है, ठीक है, अगर आप टिकट नहीं लेते हो, कंडक्टर आपसे पूछता है, तो आपको बताना है, आपको धौंस नहीं दिखाना है कि क्यों बताऊं मुझे कहाँ जाना है, या फिर नहीं लूंगा मैं टिकट, क्या कर लोगे, इस टाइप की एक्टिविटीज नहीं करना है। कोई अधिकारी आपसे आपको पूछता है, कोई सस्पेंशन, मान लीजिए आपके ऊपर सस्पेंस होता है, आदमी कौन है, क्यों ट्रेवल कर रहा है, या कुछ आपके पास ऐसे सामान है, तो अगर आपसे इंक्वायरी होती है तो आपको बताना पड़ेगा, दिस इज अंडर द रूल। आप ये नहीं कह सकते ये मेरी प्राइवेसी है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, मैं बैग में क्या रखा हूँ, नहीं बताऊंगा, इस टाइप की चीजें आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां पे नहीं चलेगा। जो अधिकारी है या फिर जो बस में ड्राइवर है या जो कंडक्टर है या फिर जिसको भी बस का मालिक या ट्रेन में हो, तो ऑब्वियसली वहां पे टीटी होता है, इस टाइप की जो चीजें हैं, जो अथोराइज्ड पर्सन है वो आपसे इस टाइप की इंक्वायरी कर सकता है, यू कैन नॉट डिनाई कि मैं नहीं बताऊंगा। आप उसमें स्मोक नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें ऑलरेडी बनाई गई हैं। जो आपकी जर्नी कंप्लीट होती है तो टिकट आपको वापस देना है, अगर कंडक्टर मांगता है, नहीं मांगता है तो लेके जाओ, आपको कोई बात नहीं। तो इस टाइप के जो रूल्स होते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है ये, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ये रूल बना सकते हैं। इसीलिए आपको दिखता होगा कि हर स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, वन बाई वन करके आप पढ़ोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। आगे फिर से इन्हीं की बात की गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट है इससे रिलेटेड रूल की, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रूल फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। अब जैसे जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उस चैप्टर में आपने अब तक ये पढ़ा है कि इस चैप्टर से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है रूल बनाने का, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है रूल बनाने का। यहाँ पे केवल आप स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है
रूल बनाने का। तो एज यूजुअल जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी काम कर रही हैं उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, वो कैसे वर्क करेंगे, वो सारी चीजें, परमिट से रिलेटेड जो अथॉरिटीज होंगी उनका फंक्शन कैसे होगा, परमिट कैसे इशू की जाएगी, कैसे री इशू की जाएगी, क्या उसकी फी होगी, किसी को एग्जेम्पशन देना है अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय हो गया या फिर उसको री इशू करना है, तो ये सारे चीजें से रिलेटेड, मतलब इन शॉर्ट सारे जनरल नॉलेज की, मतलब इन द सेंस जनरल वे में चीजें मेंशन की गई हैं। तो जो भी चीजें इसमें आती हैं सब पे लॉ बनाने या फिर यू कैन से रूल बनाने का अधिकार जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो ये पूरा ज्यूरिडिक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, आप वन बाय वन करके पढ़ लेना, सारी चीजें उसी से रिलेटेड है जो हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा है, उस सेक्शन से रिलेटेड, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड हमारी स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। बट उसको ये ध्यान रखना है कि वो रूल ओवर रूल नहीं कर रहा हो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर को। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जैसे डिफेंस की व्हीकल है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट ये रूल नहीं बना सकती कि डिफेंस की व्हीकल अगर गुजरात में आ रही है तो उसको सेपरेट परमिट लेना पड़ेगा, ऐसा रूल हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकती है। तो इसीलिए जो सेक्शन होते हैं उससे पहले मेंशन होता है कि प्रिजुडिस नहीं कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल है उसको। तो ये जनरल चीजें हैं, आप पढ़ लेना एक बार, बहुत ही जनरल है, आपको समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉ से रिलेटेड मेंशन किया गया है, तो बहुत ही जनरल टॉपिक है, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने बस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पावर में आता है तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नंबर भी ज्यादा नहीं है, कुछ 4 क्वेश्चन है, आप इनका आंसर देना, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो चीजें मैंने स्किप किया है, मतलब कह दिया आप पढ़ लेना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर की बात की है, काफी सारे पावर हैं, आई थिंक 30-40 पावर्स मेंशन किए गए हैं, तो जनरल वे में मेंशन किए गए हैं, वहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है एज सच, इसीलिए आप पढ़ लेना एक बार, ओवरव्यू आपके माइंड में रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, जो चीजें मैंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है जरूर आप उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।